रिसेंटली संदीप महेश्वरी जी ने अपनी पूरी पूरी सीरीज खत्म कर दी है जो कि बिजनेस आइडियाज के ऊपर थी। 10 वीडियोस आई, लास्ट वाली के ऊपर मैंने कमेंट भी करी और बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक किया, कमेंट किया। इससे पता लगा मार्केट में नीड है ऐसी वीडियोस की जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर हम एक एक वीडियो को उठाएंगे और उसके अंदर जिस जिस पॉइंट के ऊपर बात हुई है उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत मत करना। ऑल दो कॉपी पेस्ट कर सकते हो अगर आप वही आइडिया के ऊपर काम कर रहे हो, पर उनका आइडिया क्या था, आपका दिमाग खुले, आपको पता लगे कि मुझे करना क्या है, कैसे सोचते हैं चीज़ों को। तो पूरी पूरी 10 वीडियोज़ की सीरीज़ के अंदर मेरा भी ये आइडिया रहेगा कि आपका दिमाग खुल जाए कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते कैसे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले बेसिक चीज के बारे में समझ लेते हैं, नीड वांट डिमांड। ये बेसिक सी चीज है, अगर आपको मार्केटिंग समझनी है तीन चीजें समझनी पड़ेगी। नीड मतलब मुझे प्यास लगी है, दिस इज नीड, बेसिक नेसेसिटी इज नीड। अब वो प्यास किससे मिट सकती है, पानी से, कोल्ड ड्रिंक से, कॉफी से, डैश से, डैश से, दिस इज वांट। अब मार्केटर का काम क्या है, मार्केटर का काम है अपनी टारगेट ऑडियंस को, मतलब जनता को यह बताना कि भाई ये जो नीड है उसको हमारा प्रोडक्ट पूरा करता है। मतलब ये जो नीड है, ये जो आपको प्यास लगी है, इसको हमारा प्रोडक्ट पूरा करेगा, हमारा प्रोडक्ट ले लो। और हमारा प्रोडक्ट इस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर। अगर हमने कंज्यूमर के दिमाग में ये चीज डाल दी, ले लेगा हमारा प्रोडक्ट। अब यहां पे छोटी सी बात यह है कि अगर आपका 15,000 रुपए का बजट है तो आप यह नहीं चाहोगे कि यार मुझे सबसे महंगा फोन मिल जाए, जो आईफोन एक्स के अंदर स्पेसिफिकेशन आती है वो सारी की सारी चीजें मुझे 15,000 रुपए के में मिल जाए, नहीं ना। क्योंकि आप टारगेट ऑडियंस अलग हो, जो 15,000 रुपए की ऑडियंस है उनका माइंडसेट अलग है। तो जो ऑडियंस है, जो ऑडियंस है उसको कहते हैं टारगेट ऑडियंस। अब जो टारगेट ऑडियंस है उनके हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब मान के चलते हैं मैंने आपको कह दिया कि भाई आपको प्यास लगी है, मेरी ये पानी की बोतल आपकी प्यास मिटा सकती है, बेस्ट चीज है मार्केट के अंदर, आपके दिमाग में सही में घुस गया ये चीज बेस्ट है। पर क्या आपके पास पैसे है उसको लेने के लिए? शायद नहीं। मैं पानी की बोतल बेच रहा हूं, 1200 रुपए की पानी की बोतल तो आप नहीं लोगे ना। तो अगर हम वांट को परचेजिंग पावर के साथ जोड़ते हैं तो वो डिमांड बनती है, तभी तो आप अल्टीमेटली प्रोडक्ट लोगे ना। तो मार्केटर के पास एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या रहती है, हम कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को चेंज नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम उन लोगों को चुन सकते हैं जिनके पास वो परचेजिंग पावर हो प्रोडक्ट लेने की। तो वीडियो की स्टार्टिंग में एक बंदा कहता है कि मैंने MBA करी और मैंने अपने पैसे खराब कर दिए। अब पर्सनली मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ, यहाँ पे कोई गलत सही नहीं है। मेरा पर्सनली मानना है कि क्लासरूम ट्रेनिंग बेटर होती है। क्यों? अगर मैं कॉलेज जाके पढ़ता हूँ, मैंने MBA करी है, कॉलेज के अंदर मेरे बहुत सारे अलग अलग दोस्त थे, उनके पास अलग अलग स्किल सेट था, मैं उनके साथ ग्रुप में काम करता था, मेरे अंदर लीडरशिप प्रॉपर्टी आई, साथ के साथ मैंने उनसे 10 चीज़ें सीखी, मैंने उनको 10 चीज़ें सिखाई, ग्रुप के अंदर हमने अच्छा एफर्ट किया जिससे कर हमने रिजल्ट लेके आया, अंदर से कॉन्फिडेंस निकला। टीचर कुछ पढ़ाती थी, मुझे समझ में नहीं आता, मैं अपने दोस्त से पूछता था, उनको नहीं आता था मैं उनको बताता था, एक दूसरे से आपस में अलग अलग टॉपिक पे रिसर्च करके आपस में डिस्कस करते थे। अब ये चीज़ क्यों पॉसिबल हो पा रही थी, क्योंकि मेरा ग्रुप अच्छा था। अगर आप रेगुलर कॉलेज करते हो और आपका ग्रुप अच्छा होता है तो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल हो सकता है। अब ये बात माननी पड़ेगी, जितने भी कॉलेजेस हैं हमारे देश के अंदर वो सारे के सारे नॉलेज के ऊपर काम करते हैं, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करते। पर ये चीज़ हमारे ऊपर है, मान के चलो अगर मैंने 2 साल की MBA करी है तो 2 साल के अंदर मेरे ऊपर था ना कि जो चीज़ मुझे पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को मेरे को प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मुझे पूछना है, क्योंकि मैंने पैसे दे रखे हैं। अब कई लोग कॉलेज में जाते हैं सिर्फ अय्याशी करने के लिए, तो अगर आप मजे करने के लिए जा रहे हो तो आपके लिए नहीं है। अगर आप सीखने के लिए जा रहे हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है रेगुलर कॉलेज, क्योंकि आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखते हो। हर टीचर होता है उनका अपना एक्सपीरियंस होता है, जो भी आपके ग्रुप का मेंबर होगा उसका अपना एक्सपीरियंस होगा, अलग अलग तरीके के आपको लोग दिखेंगे, अलग अलग तरीके से आपको ट्रीट करेंगे, अलग अलग टाइप का आपका माइंडसेट आपको मार्केट का देखने को मिलेगा। अब ऑनलाइन के अंदर बेनिफिट तो ये होगा, किसी भी टाइम कर लो एक चीज़ को, बार बार 3-4 बार देख लो, 5 बार देख लो, पर अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है तो डिस्कस करने के लिए आपके पास कोई नहीं है। हाँ, आपके पास ये चीज़ है कि अगर वो आइडिया के ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, टीचर ने आपको पढ़ाया बेटा A+B का होल स्क्वायर ये होता है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्यों होता है, आप टीचर से पूछ सकते हो। पर अगर आप अपने टीचर को कह रहे हो सर मैं इसके हिसाब से क्या एक कैमरा बना सकता हूँ इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो टीचर आपकी उस चीज़ में हेल्प नहीं कर पाएगा, वहाँ हेल्प करेगी आपके दोस्त,
और ये हमारे देश के अंदर कम्युनिटीज नहीं बनी हुई। रिसेंटली मैंने एक कम्युनिटी बनाई है टेलीग्राम, अगर आप यूज करते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर एक कम्युनिटी बनाई है, तो मैं पर्सनली उसको चाहता हूँ कि वो फ्री कम्युनिटी रहे, हर बंदे अपने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पर डिस्कस कर सके कि आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया वहाँ डिस्कस करो। तो मैंने अपनी कम्युनिटी बनाने की कोशिश करी है, तो अगर आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। अब एक रास्ता ये भी है कि भाई ऑनलाइन सीख लो, उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले लो, या ऑनलाइन सीख लो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर लो, उससे बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है मार्केट के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं, जो कि मुझे पर्सनली लगता है कि अगर किसी को कोई चीज़ फ्री में दे देते हैं ना तो उसकी वैल्यू नहीं लेके चलता। अगर कोई चीज़ को पैसे दे के लेता है ना तो उसके लिए टाइम भी देता है, डेडिकेशन भी देता है, सब कुछ देता है, क्योंकि वहाँ पैसे खर्च किए गए। तो ऐसा मेरा मानना है, अगर आपको कुछ लाइफ चेंजिंग चीज़ें करनी है तो आप पैसे की फॉर्म में लो, चाहे 1 रुपये का लो, 5 रुपये का लो, 10 रुपये का लो, किसी को कुछ पैसा दे के लो। उससे क्या होगा, आपको वो सीखने को कोई नई चीज़ मिलेगी। अब बात करते हैं बिजनेस लर्निंग की, जो वहाँ पे बात हुई कि रोड के ऊपर चलता हुआ बंदा बिजनेस सीख सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिजनेस कोई भी कर सकता है जिसने MBA ना भी करी हो। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं करी, कुछ नहीं आता उनको, पर फिर भी बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं, उनका बिजनेस एक्यूमेन बहुत अच्छा है। अब मैंने इन चीज़ों को छोटे से 5 पार्ट्स के अंदर बांटा है। अगर आपको एक अच्छा बिजनेस एक्यूमेन चाहिए तो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, मेरे हिसाब से सबसे पहले ऑब्जर्वेशन स्किल्स। ऑब्जर्वेशन स्किल्स मतलब मार्केट के अंदर अगर आप घूमते हो तो क्या आप बोर्ड्स को देखते हो, यार इसने क्या मार्केट लगा रखा है, क्या किया हुआ है। अगर किसी ने गुरिल्ला मार्केटिंग कर रखी है, किसी ने अगर कोई बोर्ड अजीब सा बना रखा है, क्या आप उसकी तरफ देखते हो, यार इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी होगी। अगर किसी बोर्ड का कलर कुछ है, किसी रेस्टोरेंट का इंटीरियर कुछ बना हुआ, किस कलर का बना हुआ है, क्या उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपका इस चीज़ में दिमाग चलता है तो आपका मार्केटिंग एक्यूमेन अच्छा है। अगर आप किसी बिजनेस के ऊपर जाते हो, आप सोचने लग जाते हो यार बिजनेस पैसे कैसे कमाता होगा, तो आपका बिजनेस मॉडल का एनालिसिस वाला एक्यूमेन अच्छा है। तो आपको अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा कि आप इन चीज़ों में अच्छे हो या फिर नहीं हो, और नहीं हो तो फोर्सफुली अपने आप को ट्राई करो। अब से जब भी मार्केट में जाना है तो सब कुछ को छान छान के देखना है। अगर ओला की कैब में, मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने ओला की वीडियो बनाई थी बिजनेस मॉडल वाली, तो मैं ओला की कैब में ट्रैवल कर रहा, मैं बंदे से पूछ रहा भैया कितना कमा लेते हो, कितना परसेंट लेता है, कितना परसेंट देता है। अब मेरे को जानना है ना कि भाई कितने परसेंट पे वो ऑपरेट कर रहा है, कितना कमा लेता है, मेरे को भी पता होना चाहिए। ऑल्दो मुझे उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जिंदगी में, कभी मैं कैब ड्राइवर नहीं बनूंगा, कभी मैं अपनी कैब नहीं डालने वाला, पर मुझे जानना है। अब ये चीज आपको चाहिए अपने अंदर डालनी है, कट्टे भर भर के डालनी है। दूसरा यहाँ पे है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब चीजों को समझना, अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या पीछे उसके रीजन है। और ये चीजें कोई सिखा नहीं सकता, आप MBA कॉलेज कर लो, कोई दुनिया के सबसे बड़े कोर्स कर लो, ये चीजें आपको खुद डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर। अगला है भाई स्टार्ट करना, एग्जीक्यूशन। बहुत लोग देखे मैंने जिंदगी में, मतलब 90% लोग मैंने ऐसे ही देखे हैं जो आइडिया सोच के आते हैं कि मैं करूंगा करूंगा करूंगा, एग्जीक्यूट ही नहीं करते, क्योंकि उनके प्लान की लिस्ट ही 1 करोड़ लंबी होती है कि पहले मैं ये करूंगा फिर ये करूंगा ये 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 ये, एग्जीक्यूशन नहीं होती है। तो अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जो जल्दी एग्जीक्यूट करता है। पूरी सीरीज के अंदर बात करी जा रही है वेबसाइट को बहुत जल्दी बनाना है, 1 दिन से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बिजनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि भाई एग्जीक्यूशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश के अंदर। चौथा पॉइंट क्या है, वो है डिसीजन मेकिंग। काम तो शुरू कर दिया, उसके बाद आगे ये करना है या फिर ये करना है, दिक्कतें आ रही है। क्योंकि जब हम बिजनेस बनाते हैं ना तो वो एक ऑन पेपर चीज होती है, जब उसको प्रैक्टिकली लाइव करते हैं ना हमको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जो कि किसी को नहीं पता। अभी हम आगे बिजनेस आइडियाज के बारे में बात करेंगे, मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगा, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊंगा। संदीप सर ने अपने हिसाब से बताया है, आप अपने हिसाब से सोचोगे, 3-4 बंदों से बात करोगे वो अपने हिसाब से बताएंगे, पर जब प्रैक्टिकली मार्केट में जाओगे तो आपको नई नई प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। अब अगर आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अच्छे हो गए ना तो आपको पता होगा कि यार ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। वरना कई लोग तो लटके रहते हैं, यार यहाँ जाना है या फिर देखेंगे देखेंगे, इस चक्कर में टाइम बीतता रहता है, अल्टीमेटली सेटअप फ्लॉप। और सबसे आखिरी है जो कि पर्सनली मेरा मानना है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। एक अच्छे बिजनेसमैन को रिस्क लेना चाहिए, अगर रिस्क नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। आप सोच रहे हो कि यार मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता, यार मैं जॉब नहीं छोड़ सकता, यार मैं 10,000 रुपये 20,000 रुपये 30,000 रुपये लगा के बिजनेस ट्राई करने का नहीं सोच सकता कि कहीं से मुझे फंड मिल रहा है उसके बाद करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, कभी कुछ नहीं होगा। एक अच्छे बिजनेसमैन को रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, सीधी सी बात ही है।
रिस्क तो लेना पड़ेगा, बस अपने को हेज करके चलना पड़ेगा। कभी बात करेंगे इस बारे में, हेज करके चलना पड़ेगा कि कम रिस्क के अंदर ज़्यादा रिटर्न मिले। अब बात करते हैं पेस्टिसाइड वाले बिजनेस के बारे में। मैंने पर्सनली अपने ऑफिस के अंदर पेस्टिसाइड खुद किया था। हमने इंडिया मार्ट पे सर्च मारा कि पेस्टिसाइड क्या क्या बेचते हैं, उन लोगों को बोला कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं भैया, क्या क्या लगेगा, दिखाना है कि मेरी इन्वेस्टमेंट है 10 लाख रुपये, 20 लाख रुपये, 30 लाख रुपये की। अगर बड़ा आदमी दिखाओगे तभी काम होगा, वरना नहीं होगा। वहाँ आपको पूरी पूरी नॉलेज दे देंगे, क्या मिलेगा, क्या दलेगा, क्या करना है, कहाँ से लेना है, क्या करना है, कितना रुपये का खर्चा आएगा, एक बंदे को कर देगा, सब कुछ आपको बता देंगे, क्योंकि उनको पूरा एक्सपीरियंस है। उनसे पूरा पूरा हमने एक्सपीरियंस ले लिया, समझ लिया। मैंने अपने ऑफिस के अंदर किया था, 500 रुपये का खर्चा आया था। अब हमने जुगाड़ क्या किया था, जो नाई का स्प्रे मारने वाला होता है हमने उसके थ्रू किया था। अब आप प्रोफेशनल हो तो आपको प्रोफेशनल चीज़ें लेनी पड़ेगी, हो सकता है 3-4 हज़ार रुपये की भी कॉस्ट आ जाए, मुझे नहीं पता, खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। संदीप महेश्वरी सर ने भी बताया, पर आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। रास्ता मैंने आपको बता दिया करनी कैसे। अब मार्केटिंग के लिए क्या करना है, मार्केटिंग के लिए करना है हमको लोकल SEO। लोकल SEO का मतलब गूगल माई बिजनेस सर्च मारो गूगल पे, उस पर रजिस्टर कर लो अपना बिजनेस, वहाँ पे अपनी सर्विस जितना प्राइस है वो सब कुछ डाल दो वहाँ पे। कम से कम प्राइस के अंदर ऑपरेट करना, क्योंकि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मल प्राइस देते हो तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो वहाँ पे सारे के सारे प्राइस डाल दिए, उसके बाद मैं एक वीडियो सजेस्ट कर रहा हूँ लोकल SEO की, वो देख लेना, आपका लोकल SEO हो जाएगा, आप रैंक करने लग जाओगे। अगर आप कोई गूगल पे सर्च मारता है पेस्टिसाइड्स नियर मी, पेस्टिसाइड सर्विसेज नियर मी, या फिर जो भी आपका रिलेटेड कीवर्ड होगा, ये खाली पेस्टिसाइड की बात नहीं कर रहा, किसी और फील्ड के अंदर भी काम हो सकता है। तो जैसे ही सर्च मारेगा आपका ऊपर आएगा, वहीं से डायरेक्शन, वहीं से कॉल, डायरेक्टली नॉर्मल बंदे कॉल करेंगे और आपके पास कॉल आएगी, और नियर बाय लोकेशन का होगा ताकि ट्रैवलिंग कॉस्ट ज़्यादा ना लगे। स्टार्टिंग के अंदर जहाँ आप रहते हो वहीं से ऑपरेशन करो, ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई और प्रोविजन लेने की जरूरत ही नहीं है स्टार्टिंग के अंदर। अब जब आप रजिस्टर करोगे गूगल माई बिजनेस के ऊपर, तो आपको 2,000 रुपये का फ्री क्रेडिट मिलेगा, हर बंदे को देते हैं। अगर नहीं देंगे तो आपकी किस्मत खराब है। तो गूगल वाले देंगे, उसको यूज़ करो, 2,000 रुपये की ऐड चलाओ, वहाँ से ट्रैफिक आएगा, अगर कन्वर्जन मिलती है तो रीइन्वेस्ट करना शुरू कर दो। अब बात करते हैं गूगल एड्स की। गूगल एड्स के ऊपर मैंने पूरी सीरीज बना रखी है, उसको देख लेना, यहाँ पे कोई रिपीट करने का कोई तुक नहीं बनता। पर आपको जो कीवर्ड्स डालने हैं वो मैं बता सकता हूँ आपको, और जो एड कॉपी रखनी है वो बता सकता हूँ। मैंने क्या किया, मेरे पास पेड टूल्स है, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैंने पेड टूल से जितने भी बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं उन सबकी एड्स की डिटेल निकाल ली, कि वो क्या क्या कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं और क्या क्या एड कॉपी चला रहे हैं। अब वो बड़े प्लेयर है और वो किसी कीवर्ड के ऊपर एड चला रहे हैं, तो उन्होंने रिसर्च कर रखी है कि ये वाले कीवर्ड से कन्वर्जन आता है, तो हम भी उसी कीवर्ड पे ऐड चलाएंगे ना, क्यों फालतू के एक्सपेरिमेंट करें, क्यों फालतू के ज़्यादा पैसे खर्च करें, जो पक्की पकाई खिचड़ी है उसी को उठा लेते हैं ना। तो मैं आपको साइड में कीवर्ड्स दिखा रहा हूँ कौन से कीवर्ड्स हैं, और ऐड कॉपीज भी साइड साइड में दिखा रहा हूँ सारी के सारी। मन करे तो पेड सर्विस आप भी किसी का पेड टूल ले लेना, तब आप कर लेना, वरना यहाँ से पॉज कर करके स्क्रीनशॉट ले लेके ऐड कॉपी बना लेना, एज इट इज़ मत बनाना। मैं आपको सारी इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ। अगर कोई बंदा 3 ऐड देख रहा है, तीनों के अंदर बात सेम हो रही है, पर जिसकी कॉपी अच्छी होगी, जिसका लिखा अच्छा होगा, वो अच्छा होगा। सेल्स बेसिकली सेल्स ही है, जो आप ऐड दिखा रहे हो एक आपकी सेल्स कॉपी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी वेबसाइट बनेगी उस वेबसाइट के ऊपर हमको बहुत ध्यान देना है, मतलब हमको एक एक चीज सोच समझ के करनी है, हम क्या लिख रहे हैं, कहाँ पे कौन सा बटन आएगा, कौन सा कलर होगा उसका, क्या क्या टेक्स्ट लिखना है। और बेसिकली जो आपका एक पेज होगा, जो लैंडिंग पेज होगा, मतलब अगर उसने ऐड पे क्लिक किया और वो एक डैश पेज पे पहुंच रहा है, उसको हम लैंडिंग पेज कह रहे हैं। तो वो जो लैंडिंग पेज पे पहुंच रहा है वो पूरा पूरा एक तरह से सेल्स पेज होगी। जैसे एग्जांपल के लिए आप मेरे पास आते हो, मुझे एक प्रॉब्लम है और मैं आपको कोई सर्विस या प्रोडक्ट बेचता हूँ, तो जिस तरीके से मैं सेल्स पेज मार रहा हूँ ना इस फॉर्म में, वो मुझे उस फॉर्म में मारनी है। जो जो बंदे के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं सारे के सारे वहीं पे आंसर करने हैं। तो सेल्स पिच वाली मैंने पूरी सीरीज बनाई थी, सेल्स वाली 10 पार्ट की है। अगर आप सेल्स में अपने आप को बेटर बनाना चाहते हो तो आप वो देख सकते हो। उससे क्या होगा, उससे सेल्स कॉपी राइटिंग की सारी चीज़ें आ जाएगी। जब मैं रिसर्च कर रहा था पेस्टिसाइड्स के ऊपर, तो मैंने देखा एड्स के ऊपर वो प्राइस सेंसिटिव मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा देखा है कि लोग प्राइस देख के ऐड पे क्लिक करते हैं या फिर कॉल करते हैं, जो भी कन्वर्जन आती है वो प्राइस बेस्ड आती है। तो हमको अपनी ऐड के ऊपर आइदर प्राइस लिख लो, जो कि मेरी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी में से एक है। मैं क्या करता हूँ, ऐड के अंदर ही प्राइस लिख देता हूँ, भाई इतने रुपए का है। अब इससे क्या होगा, अगर वो इतने रुपए खर्च कर सकता है उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, तभी उस ऐड के ऊपर क्लिक करेगा, वरना ऐड के ऊपर क्लिक ही नहीं करेगा। और ऐड के ऊपर क्लिक करेगा तभी मेरे पैसे कटेंगे, वरना पैसे ही नहीं कटेंगे। तो बढ़िया है ना, पहले ही हमने क्वालिफाई कर दिया बंदे को कि भाई
तेरे बस की है मेरा प्रोडक्ट लेना या फिर नहीं। अब कुछ कुछ आइडियाज दे रहा हूँ जो कि आप एड के अंदर या फिर अपनी बॉडी के अंदर डाल सकते हो। अब ये खाली पेस्टिसाइड्स के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ पे बहुत सारे रिलेटेड बिजनेस भी हो रही है बात। अगर आप उससे रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, सेम टू सेम यही स्ट्रैटेजी लगेगी। कीवर्ड्स चेंज हो जाएंगे, टारगेटिंग चेंज हो जाएगी, लोकल एसईओ आपको करना ही पड़ेगा। जो आगे वाले पॉइंट्स है वो भी सेम रहेंगे। आप क्या कर सकते हो, 5 साल का सीधा प्लान लो डिस्काउंटेड रेट के अंदर, 5 साल का परमानेंट कस्टमर बन गया, 2 साल का अलग से पैकेज है। अगर आप हमसे एक बार कराते हो तो हम आपको 1 साल का पूरा पूरा बैकअप देते हैं। कभी भी आपके प्रॉब्लम आती है तो अनलिमिटेड विजिट्स रहेगी। ऑल दो अगर आप ढंग से काम करोगे तो कोई प्रॉब्लम दोबारा से नहीं आएगी, तो इसका मतलब आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट है। और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कस्टमर को भी आप पे ट्रस्ट है कि भाई अगर प्रॉब्लम आएगी तो मुझे फिर से रिजॉल्व करके देंगे, तो कस्टमर आपसे जुड़ के रहेगा। आप रेन्यूअल के ऊपर कुछ कर सकते हो, रेन्यूअल के ऊपर कोई स्कीम निकाल दी कि अगर आपने हमसे पहले साल पैकेज लिया है अगले साल आपको इतने रुपए ही देने हैं। मतलब अगर पहले साल का आपने हमको 3,000 रुपए दिया तो अगले साल के आपको सिर्फ 2,000 रुपए देने हैं, तो बंदा अगली बार वो 1,000 रुपए बचाने के लिए दोबारा से आएगा। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई ऐसा नहीं होता, पर ऐसा होता है। लोग अपनी रजिस्ट्रेशन फीस बनाने के लिए आगे भी खर्चे करते रहते हैं। अगर आपने प्री बुक करा लिया कोई फ़ोन, आपने कुछ स्पेसिफिक 5,000 रुपये अमाउंट देके प्री बुक करा लिया, अब आप कैंसिल करोगे तो आपको 3,000 रुपये वापसी मिलेगी या 2,000 रुपये वापसी मिलेगी, तो वो आप 3,000 रुपये का लॉस नहीं लोगे। आप कहोगे यार पूरा पूरा पैसा खर्च करके प्रोडक्ट ही ले लेता हूँ। अब वहाँ पे एक और आइडिया के बारे में डिस्कशन हुई जो कि थी पार्किंग वाला। उनके दिमाग में पार्किंग का आइडिया था, उसके लिए वो ऐप बनाना चाहते हैं। आइडिया अच्छा है, पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, बिल्कुल सही बात है, पर एक सस्ता जुगाड़ भी हो सकता है। अगर हम एक वेबसाइट बना लें नॉर्मल सी, जिसके ऊपर हम लोकेशन टारगेटिंग रखें, आप जाओ ऊपर दिल्ली पे क्लिक करो, दिल्ली के अंदर आप रोहिणी के अंदर हो, रोहिणी पे क्लिक करो, वहाँ पे जितनी पार्किंग्स होगी वो सारी की सारी आ जाएगी आपके पास, आप सिलेक्ट कर लो, बात खत्म। ज़्यादा मन है, नीचे कॉन्टैक्ट फॉर्म है, कॉन्टैक्ट फॉर्म भरो, अपनी लोकेशन टाइप करो, सबमिट करो, हमारे पास लीड आ जाएगी, हम जाके आगे कॉल करके दे देंगे। रेवेन्यू मॉडल कहाँ से रहेगा, एडसेंस से कमा लेंगे स्टार्टिंग के अंदर, बाद में हम हर पार्किंग को लिस्ट करने के पैसे लेंगे, या फिर जब पार्किंग के ऊपर वहाँ से वो बुक कर रहा है हम अपने भी बुकिंग सिस्टम ले आएंगे। अगर वो हमारे थ्रू बुक करता है तो उसको हम 10% डिस्काउंट देंगे, पार्किंग वाले से 20% लेंगे, 10% हमारे पास बच जाएगा, खर्चा कुछ नहीं आया। ये वर्डप्रेस पे ही वेबसाइट बन सकती है, सस्ते जुगाड़ में ही वेबसाइट बन जाएगी। टेस्ट भी कर सकते हो अपने आइडिया को, ऐप वैप बनाओगे बहुत मोटे खर्चे हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, कुछ आइडियाज़ होते हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं, बाकी लोग कहते हैं भाई बहुत अटपटा है, पर हमको अपने आइडिया के ऊपर ट्रस्ट होता है और हम उस पर लगते हैं और अपने आप को एंड में प्रूफ कर देते हैं। किसी ने सोचा था कि कभी कोई प्राइवेट कंपनी रॉकेट छोड़ेगी हवा के अंदर? कभी किसी ने यह सोचा था कि ऐसे कोई वीडियो बनेगी और सामने टीवी पे चल रही होगी? अगर हम पुराने जमाने की बात करके चले तो, चलो दूर की बात नहीं लेके चलता, जब पेट्रोल इंजन चलते थे किसी ने सोचा था इलेक्ट्रिक इंजन इतने पावरफुल हो जाएंगे कि वो इतनी स्पीड के ऊपर चलेंगे? जब कोई नया आइडिया आता है मार्केट में तो बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, आप करना चाहते हो, टेस्ट करना चाहते हो, तो कम अमाउंट के ऊपर टेस्ट करो। अगेन MBA वाली सीरीज़ के अंदर मैंने सारी बातें कर रखी है कि कैसे चेक करना है कि किस फंड को कहाँ पे यूटिलाइज करना है। बिजनेस मॉडल वाले के अंदर भी बात कर रहा था, रेवेन्यू मॉडल के अंदर भी बात कर रहा था, ताकि आपको दोनों चीज़ें पता लगती रहे कि प्रॉब्लम ना है, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ लोगों के पैसे खत्म हो जाते हैं। अगला था भाई क्लोथ्स वाला बिजनेस। क्लोथ्स वाले बिजनेस के अंदर संदीप महेश्वरी सर ने उनको कहा कि आप अपनी मशीन ले लो। मैं कह रहा हूँ कि अगर मशीन लेनी है तो लो, नहीं लेनी वो भी मत लो, थर्ड पार्टी टाइप करो, उनको कहो मैं ही लूँगा, मैं ही छोड़ूंगा, मुझे इतने टाइम के अंदर चाहिए, कितने रुपए में दोगे बात खत्म, मैं ही लेके जाऊँगा, जल्दी करके देना। बहुत सारे ऐसे धोबी बैठे हैं जो कि वेले बैठे हैं, उनको कहा कि काम पकड़ा दो, वही प्रेस करके वही करके देंगे, माल लेके गई उसी धोबी पे छोड़ा, वहीं से माल उठाया, आगे आगे डेवलप कर दिया, बीच की जो कमीशन बची वो आगे भेज दिया। मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड है इसकी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपने कपड़े धुलवाने होते हैं, बाहर होते हैं, खुद नहीं धोना आता, कहते हैं कि भाई किलो के हिसाब से कपड़े ले लो, काम हो जाएगा, 60-70-80 रुपए किलो का आसपास मार्केट में रेट चल रहा है। ऐसी ऐप्स भी बन रखी है, मुझे बाकी जगह पे नहीं पता, दिल्ली में तो मैंने ऐसी ऐप्स देखी है जो कि केजी के हिसाब से आपसे घर से पिकअप लेके जाती है, कपड़े धो के आपके घर पे पिकअप देके जाती है विद प्रेस। और अगर आप कोई धोबी नहीं मिल पा रहा, आपको कोई ऐसा धोबी नहीं है जिसको आप नेगोशिएट करके सही रेट पे ले जा सकते हो, या फिर वो टाइम पे नहीं दे रहा, तो ओएलएक्स से एक मशीन उठा लो, नॉर्मल से चला के देखो, काम चला के देखो, सेल आती है तब जाके चले जाना इंडस्ट्रियल ग्रेड मशीन के ऊपर,
वो सेकेंडरी काम है, पहले स्टार्टिंग में अपने को प्रोडक्ट को टेस्ट करके देखना है क्या जहाँ पे हम माल काम शुरू कर रहे हैं वहाँ पे इतनी डिमांड है या फिर नहीं है। अब मार्केटिंग क्या करनी है, मार्केटिंग यहाँ पे थोड़ी सी ऑफलाइन मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, जितने भी होस्टल्स हैं उनसे जाके टाई अप करना पड़ेगा। बहुत सारे होस्टल्स हैं जिनके पास खुद की मशीन नहीं है, उनको कहना है कि अपने पैकेज के अंदर ही इंक्लूड कर दो कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। मेरे को याद है देहरादून में जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब वहाँ पे हमसे मंथली अमाउंट लिया जाता था, उसमें कोई किलो वाला लॉजिक ही नहीं था, मतलब अनलिमिटेड कपड़े दो अनलिमिटेड कपड़े लेके आएगा वो, और हफ्ते में 2 बार विजिट करता था वो, मतलब महीने में 8 बार विजिट करता था वो, अनलिमिटेड कपड़े देते थे, अनलिमिटेड कपड़े धुल के प्रेस होके आते थे। तो हम अगर वो चीज़ें उन्होंने चेक करके रखा हुआ है ना, मतलब एक्सपीरियंस के बाद कि भाई कितना बच्चा कितना लेता है कितना देता है, उसके हिसाब से उन्होंने एक कॉस्ट बना रखी है, तो बाद में आप वो भी पैकेजेस निकाल सकते हो। आप होस्टल वालों को भी वही पैकेजेस दे सकते हो कि मैं एक बच्चे का महीने का इतना लूंगा, आपको उसके बाद जितने कपड़े देना है दो, नहीं देने मत दो, पर मैं एक बच्चे से लूंगा। अब इसमें घपले क्या होते हैं हमारे देश के अंदर, जो मैं भी करता था, कि मेरे जो नॉन हॉस्टल वाले बच्चे होते थे जो मतलब जो मेरे पास नहीं रहते थे, वो मुझे अपनी गठरी बना के देते थे, कह रहा भाई इसको भी धुलवा दियो। तो कई बार मैंने उनके कपड़े भी धुलवाए हैं, जो कि इथिकली गलत है बिजनेस प्रैक्टिसेस के हिसाब से, और कॉलेज स्टूडेंट वाले करते हैं, मैं तो करता था, बाकी भी करेंगे क्योंकि इंडिया है, तो हमको उसका कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा। उसका तोड़ यही है कि लाकाट वाला सिस्टम कर दो कि पर क्लोथ का मैं इतना लूंगा या किलो के हिसाब से मैं इतना लूंगा। आप हॉस्टल्स के साथ टाइप कर सकते हो, बहुत सारे हॉस्टल्स हैं आपके घर के आसपास भी होंगे जहाँ पे लोग रहते हैं, उनके पास अपना लॉन्ड्री का कोई मैकेनिज्म नहीं होगा, अगर है तो कोई फ़ायदा नहीं है, पर अगर उनके पास नहीं है तो जाके उनको पिच मारो, कोशिश करो। मैं देखो मार्केट से 70 रुपये लेता हूँ, मैं आपसे 60 रुपये लूँगा, आपको 10 रुपये पर बच्चे पर किलो चार्ज करना है, कर लो, एक्स्ट्रा वो कमीशन आपकी होगी पर सेल के ऊपर, हॉस्टल वाला भी जुड़ जाएगा 10 रुपये के चक्कर में। तो मोटा मोटी मुझे ऐसा लगता है इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा है, और ये फिजिकल मार्केट में अगर अट्रैक्ट करोगे तो बेटर रहेगा, अगर डिजिटल जाने की कोशिश करोगे तो खर्चा ज़्यादा बैठ जाएगा स्टार्टिंग के अंदर। ऑल दो जिसकी बात मैं ऐप की बात कर रहा हूँ उसकी मैंने डिजिटल ऐड भी देखी है, वो फेसबुक पे ऐड रन करता था, मैंने उसकी बहुत बार ऐड देखी है लोकल टारगेटिंग के ऊपर, मतलब जैसे कि आपका ऑफिस जिस जगह के अंदर है, फेसबुक के अंदर आपके ऑफिस के 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर ऐड चलाने का ऑप्शन है, आप 5 किलोमीटर के वो 2 किलोमीटर कर दो, अब 2 किलोमीटर के अंदर एक लड़के को साइकिल दिलानी है, वही धो देगा, वही सब कुछ कर देगा, वही जाएगा, वही सबको लेके आएगा, वही धोएगा, वही जाके देके आएगा। ऐसे आपने छोटे छोटे अलग अलग जगह पे हब बना लिए, जैसे क्लाउड किचन के अंदर हमने बात करी थी, छोटी 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 अलग अलग जगहों के ऊपर आपने हब्स बना लिए, वहीं से काम चल गया। लॉजिक है, बस सोच रहा है आपको कि किस तरीके से आप प्रैक्टिकली सस्ते प्राइस के अंदर आप प्रोडक्ट बेच सकते हो और प्रॉफिट भी कमाना है। अब अगला था वो केटरिंग वाला बिजनेस। भाई ये मेरा MBA के जमाने का ड्रीम था कि मुझे इसके ऊपर काम करना है, मैंने उसका नाम भी रखा था कि मूवमेंट्स टू मेमोरी, मतलब जो नॉर्मल आपकी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही हैं वो मूवमेंट्स है, उसको मेमोरीज में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जब कोई दिन स्पेशल जाता है ना तो वो मेमोरी बन जाती है, तो हम आपके दिन को स्पेशल बनाएंगे। तो ये मेरी पोजिशनिंग स्टेटमेंट थी, तो पूरा रिसर्च करी थी मैंने इस चीज़ के ऊपर, तो मैं थोड़ा बेटर बता देता हूँ कि मैं क्या सोचा था। एक तरह से ई कॉमर्स होगा जिसके अंदर आप सर्विस को ऐड कर सकते हो, मतलब कौन सा रेस्टोरेंट में जाना है, ऐड टू कार्ट, उसके पास रेस्टोरेंट के अंदर पहले डिशेज भी है कि एक पर कपल का ये चार्ज है, इस कपल का ये चार्ज है, इतने मेंबर्स का ये चार्ज है, इतने मेंबर्स का ये चार्ज है। अगर आपको बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो आपको 10 बंदे चाहिए मान लो, तो वहाँ पे आप सीधे 10 बंदे सिलेक्ट करोगे, 10 बंदे का चार्ज आ जाएगा विद फूड, जिसमें अनलिमिटेड फूड होगा, बुफे वाला सीन। उसके बाद आपको केक चाहिए, केक ऐड कर दिया आपने, हम अपने आप वहाँ पर डिलीवर करेंगे, अगर वो रेस्टोरेंट नहीं भी बनाता हम बाहर से लाके देंगे। आपको बुके चाहिए, बुके देंगे, आपको म्यूजिक चाहिए, आपको स्टैंड अप कॉमेडियन चाहिए, आपको कोई भी चीज़ चाहिए जो कि आपकी मेमोरी बना सकता है, गिटार चाहिए, गाना चाहिए, कैंडल लाइट डिनर चाहिए, कुछ भी चाहिए वो करके देंगे आपके बजट के अंदर। तो मतलब सबसे पहले आपसे बजट पूछा जाएगा कि आपका बजट क्या है, उस बजट के हिसाब से आपको चीज़ें दिखाई जाएगी। अगर किसी बंदे का 2000 रुपये का बजट है, उसको गर्लफ्रेंड को लेके जाना है, अब क्या होता है प्रॉब्लम है मार्केट की, वो ले गया टशन टशन में गर्लफ्रेंड, ये भी वो 2000 रुपये खत्म, पॉकेट मनी पूरी मुक गई। यहाँ पर अल्टरनेटिव क्या, हमने पहले से ही बुक करा के चले हैं, पहले से ही 2000 रुपये सेट हो चुके हैं, वो उन्हीं को वही चीज़ें दिखाएगा जो कि हमारे अंदर आएगी, गर्लफ्रेंड को जो खाना वो खाए मजे से, अपने को 2000 से ऊपर का बिल नहीं आएगा, जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी। अब इसकी मार्केटिंग कैसे होगी, बहुत आसान मार्केटिंग है, मैसेंजर मार्केटिंग फेसबुक के ऊपर। अब मतलब अगर कोई बंदा हमारी ऐड देखता है, क्लिक करता है, उसमें मैसेज पे क्लिक होगा, अब वो हमारे फेसबुक पेज के मैसेज के ऊपर रिप्लाई कर देगा,
तो वो लीड हमारे पास परमानेंट पड़ी रहेगी, उसको जाके बार बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सर क्या हुआ, क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, क्योंकि हम जिंदगी भर अवेलेबल नहीं रह सकते ना। मान के चलते हैं बंदे ने रात को 11 बजे या फिर रात को 2 बजे हमारे यहाँ पे बुक किया या हमारी ऐड देखी, उसने क्लिक करके हमारे मैसेंजर पर लैंड किया, अभी तो हम एक्टिव नहीं है ना, हमारा कोई चैट रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे नहीं बैठा बताने के लिए। हम जब सुबह उठते हैं हमने सीधा सीधा मैसेज देखा, वहीं से हम बता सकते हैं सर ऐसा 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 ऐसा, या फिर चैट बॉट्स आते हैं, हम चैट बॉट लगा सकते हैं, उसमें उसकी सारी क्वेरीज को हमने रिजॉल्व कर दिया वहीं के वहीं। अब टारगेटिंग कैसे होगी, फेसबुक के अंदर टारगेटिंग के अंदर जाओगे, वहां पे बर्थडे के ऊपर चीज है। बर्थडे के अंदर क्या है कि मैं एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के पहले ऐड दिखा सकता हूँ, जैसे कि मेरे दोस्त का बर्थडे एक हफ्ते बाद आने वाला है, तो मेरे पास अभी से एड्स आनी शुरू हो जाएगी, और अगर हम टारगेटिंग करेंगे तो उस दोस्त के जितने भी फ्रेंड्स होंगे उनके पास ऐड दिखाई देने लग जाएगी। तो हम क्या दिखा सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स का बर्थडे को मेमोरी में कन्वर्ट करो, मैसेजेस या कुछ भी करके ऐसे कॉल टू एक्शन रख के काम कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, बंदे को दिखा कि भाई ये तो सही है, टारगेट उसके दिमाग में चल रहा है कि मेरे को अपने गर्लफ्रेंड भी हो सकती है या दोस्त भी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, उस बंदे के दिमाग में चल रहा है कि यार इसका बर्थडे है, मुझे कुछ स्पेशल प्लान करना है, अचानक उसको ऐड दिखाई देती है, मतलब टारगेट ऑडियंस थी, नीड भी थी, हमने उसको वांट दिखाई और उसको वांट को हमने ले गए। और मैंने यहाँ पे क्या कहा, हमारे पास प्राइस के सारे वेरिएबल्स है, किसी भी प्राइस के अंदर प्रोडक्ट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकता है, तो डिमांड भी क्रिएट हो गई, क्योंकि उसके बाद परचेजिंग पावर तो है ही ना, हमने हर परचेजिंग पावर के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बना रखा है। इस वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक्स के बारे में बात हुई थी उस वीडियो के अंदर, हमने वो सारे के सारे टॉपिक्स इन डेप्थ बात करी है, और क्योंकि वो ऑन द स्पॉट टॉपिक होता है, वहीं पे शुरू करते हैं और उनके पास कोई रिसर्च नहीं होती, मतलब वो बेसिकली वो लैपटॉप लेके आपको कहते नहीं कि देखो मैं कीवर्ड फाइंड करके दिखाता हूँ, ये करके दिखाता हूँ, मेरे पास टाइम था तो मैंने इसलिए कीवर्ड निकाले, आपको दिखा दिए कीवर्ड क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हो। ऐसे एम रश टूल था, पेड टूल की जो मैंने डेटा दिखाया, अगर आपको खरीदना तो ऐसे एम रश खरीद सकते हो। और हाँ, लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे